चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। आप ये सुबह सुबह कहाँ टोपी और कोट पहन के जा रहे हो भी मेरे बिना? मैं तो कहती हूँ भीख मंगो को थक्के देके बाहर निकालो, फिर हम दोनों आराम से लंदन चलते हैं। वैसे भोलू, इनसे इनकी शक्लें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। चले ना हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, प्लीज चले ना। चलो डार्लिंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और भोलू कहाँ है? अरे लो, उससे भोलू तो मैं हूँ, कराची का बच्चा बच्चा। मुझे ना महमूद भोलू कहते हैं। और तुमने ये भोलू का कोट क्यों पहना हुआ है? अब वो जूते मुझे पूरे नहीं आए ना, इसलिए मैंने कोट पहन लिया। देखो तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। चलो फिर मेरे साथ चलो, बाहर चल के ना नली नेहारी और तिरो वाले कुल्चों का नाश्ता करते हैं। मुझे ना तुम्हें जानने का जरा मौका मिल जाएगा। ए बुड्ढे, भूल गया है क्या मैं 3 साल जेल में रहकर आई हूँ? सीधी तरह बताओ कहाँ है भोलू? अरे मुझे क्या पता भाई भोलू कहाँ है। अरे इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए पता नहीं वो कहाँ घूम रहा है। मैं होता ना उसकी जगह पे तो साए की तरह तुम्हारे पीछे 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 घूमता। अब अगर मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश की ना तो इस बड़े से मुँह के 3-4 छोटे छोटे मुँह बना दूंगी, समझे तुम? ओहो, ये शर्ट मुझे और महमूद साहब दोनों को आ जाएगी यार, तो बहुत बड़े साइज की है। क्या हो रहा है ये, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? निकलो बाहर। पापा जी, यार आप अजीब आदमी है, एक शर्ट नहीं रखी आपने मेरे साइज की इसमें यार। हाँ मगर इस अलमारी में मेरे साइज का स्वेटर रखा था तेरे भनोई ने। मैं इसका भनोई नहीं हूँ, मैं इसका सुसर हूँ। हाँ पुत्र, लगता है तेरा सुसर ना मुझसे बहुत वो करता है। वो क्या बाजी? वही जो तू और शाजिया आपस में करते हैं। झगड़ा? झगड़ा नहीं पुत्र, वो बस। देखो रवीन, मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूँ, बस। हाँ हाँ, प्यार प्यार, तेरा सुसर ना मुझसे बहुत प्यार करते है। बोलो ये क्या कर रही है? अरे आपने बेरी लड़की से शादी की हुई है, इसको हमारे अफेयर करनी पता अभी तुम। बोलो तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं बेगम, ये कुछ भी बोल रही है, क्या कर रही है तुम? ले कुछ भी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं बच्चू। तुम दोनों दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से इसी बात। बाबा जी एक शर्त पे, हमने ना जूते और नए कपड़े खरीदने हैं, आप हम तीनों को 10,000 रुपया दे देंगे। आप मुझे 20,000 रुपए देने हैं, आपने मेरा सूट ना 8 गज में बनता है। बोलो इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी मत देना। फूटी कौड़ी तो हमने मांगी भी नहीं है बच्चू। मैंने कहा निकल जाओ मेरे कमरे से। बाबा जी 5,000 ही दे दे यार। मुझे तो 500 ही दे दे मामा जी। ओ पापा जी, माँ जी, निकल जाओ मेरे कमरे से, फौरन निकल जाओ। बाबा जी पहले मैं धक्के देके निकल जाऊं, चलो यहां से, चलो चलो। बाबा जी माँ जी माँ जी माँ जी, ओफो भोलू, चलो अभी चलो शॉपिंग पर चलते हैं फिर से। हाँ चलो चलो चलो। क्या बात है नवीन, लगता है फिर अपने सुसर से बेइज्जत होकर आ रहे हो। ओ बस कर दे महमूद साहब, आप ये जो पापा जी का कोट पहन के उड़ी बाबा बन रहे हैं ना, वो बस ऐसे ही बन रहे हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे आप। अरे चलो कम से कम कोट पे तो हाथ मैंने मारा है ना। अरे तुम तो पिछले 2 एपिसोड से तुम एक ही मैली सी शर्ट में घूम रहे हो। नवीन ये मैं क्या सुन रही हूँ? फील तेरी बीवी जो सुन रही है वो हमें क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? आप लोग पापा के कपड़े चुरा रहे थे, शेम ऑन यू। मैंने कभी अपने पुत्र को छोटी छोटी चोरियां करना नहीं सिखाया, मैंने इससे हमेशा यही कहा जब भी चोरी करना है कोई बड़ा आइटम चोरी करना है। और आज तुम्हारे पापा ने एक शर्ट के पीछे मेरी इज्जत तार तार कर दी। नबील तुम्हें पता तो है पापा निराली से थोड़ा डरते हैं। अरे क्या थोड़ा, मुझे देखो। क्या क्या देखें आपको मसा हुआ? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डरता हूँ तुमसे। अब पहले जैसी बात नहीं है, पापा जी कोई पैसे नहीं देंगे आप सबको। पापा जी पैसे दे ना दे, लेकिन पापा जी के नाम पे और लोग तो पैसे देंगे ना। क्या मतलब? मतलब मैं सिर्फ महमूद साहब को बताऊंगा, क्योंकि मैं महमूद साहब पर अंधाधुन भरोसा करता हूँ। वो जो तुम मुझ पे अंधाधुंध करते हो वो भरोसा है? हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर बताओ। कांदे कांदे, ओ मां जी आप तोड़े। जी आप कौन? भाई साहब
तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, उनकी तो बड़ी सी तोंद है। नहीं भाई साहब, तो मैं आपको कह रहा हूँ। अरे जब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ तो तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? भाई नहीं, पड़ोसी तो है ना भाई। मैं तो सदीकी साहब का पड़ोसी हूँ। और मैं सदीकी साहब का अकलौता प्यारा दामाद हूँ, और इस वक्त मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या, चीनी पत्ती दूध? नहीं नहीं, देखिए पापा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई। चलो मैं चलकर देखता हूँ उनको। नहीं नहीं, वो बड़ी खतरनाक बीमारी है, आपको भी लग सकती है। तो तुम लोग उनका इलाज करवाओ ना। जी इलाज तो उनका 3 महीने से चल रहा है, बल्कि सब कुछ बिक गया, उनकी सारी जायदाद खत्म हो गई। अब तो हम चंदा जमा कर रहे हैं ताकि उनका इलाज हो सके। ओहो, सदीकी साहब के इतने बुरे हालात हैं और हमें खबर तक नहीं हुई। आप जितना हो सके दे दें, और साथ में दुआ करें कि बस मेरे प्यारे पापा जी बच जाए। ठीक है, हौसला रखो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। जी 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 जी। जी चाहिए वो आप सदीकी साहब को जानते हैं? अरे भाई सदीकी साहब हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी हालत बड़ी नाजुक है। नाजुक है? अरे वो तो बहुत हट्टे कट्टे लगते हैं। दरअसल जी उनकी वो जो तीसरी बीवी थी ना जी, बड़ी चालाक थी। अरे वो सारा कुछ अपने नाम करवा के भाग गई है। सदीकी साहब का बिचारों का दिवालिया निकल गया जी। अरे इसमें भागने की क्या जरूरत थी, मुझे कहती मैं छोड़ा था। उसी की वजह से तो सदीकी साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। क्या, आखिरी सांसें? हाँ भाई, उनकी किसी भी वक्त खबर आ सकती है, इसलिए तो हम सबसे उनकी आखिरी रसूमात के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ा अफसोस हो रहा भाई, क्या शान हुआ करती थी उनकी। खैर ये सदीकी साहब के लिए रख लो। बस इतने से? अरे भाई इसमें तो मुश्कफूर भी नहीं आएगा। अच्छा भाई ये भी रख लो। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह जजा दे आपको इसकी बहुत ज्यादा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे नबील ये भी तो गिनो ना यार। लाए मैं मुसल लाए। ओए होए, उशा बशी, ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए वकील? नबील माँ जी। अच्छा नबील ने दिए तुझे? ओ माँ जी, नबील मैं हूँ आपका होनहार पुत्र यार। ये पैसे तुमने अकेले नहीं कमाए नबील। सच सच बताए, आप लोगों ने पापा जी से फिर से पैसे तो नहीं चुराए? खूबसूरत, तुम अपने शौहर पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? हाँ लगा रही हूँ। पुत्र ये फरजाना है ना, ये कभी तेरी वो नहीं करती। वो क्या माँ जी? वही जो मैं अफ्तखार की उठते बैठते करती हूँ। बेइज्जती? बेइज्जती नहीं वो। अरे बस करो यार, इतने पैसे लेकर आया, एक लफ्ज नहीं कहा तुम लोगों ने हमारी तारीफ में। हाँ हाँ हाँ, तारीफ, ये डैन कभी मेरे पुत्र की तारीफ नहीं करती है। तारीफ के काबिल है कहाँ आपका बेटा? बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, तुम मेरी दुश्मन हो, बिल्कुल अपने उस मोटे बाप की तरह। शट अप नबील। ओके जानू, माँ जी ये पैसे आप रख ले, इसको मैंने आना नहीं दे रहा। ये ले आ। निकाल लेना था कुछ नहीं। सिद्दीकी साहब भाई दुख की बात ना करें, पहली बार दुखी हूँ मैं। आपको शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? शर्म की क्या बात है, आपने अपनी बेगम को सामान कभी नहीं उठाया? अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे। अरे सीधी तरह बोलो, क्या मसला है तुम लोगों का? अरे ये अपनी बीमारी के नाम पर अपने दामाद को बेचकर लोगों से उधार ले रहे हैं, और अपने आखिरी रसूमात के लिए चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। बावले हो गए क्या? मैं अच्छा खासा जिंदा हूँ, आखिरी रसूमात कहाँ से आ गए यहाँ? ठीक है तो फिर सीधी तरह से सबके पैसे लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। लौटा देंगे पैसे। अरे लौटा देंगे, कह दे दिया। अरे बदनाम कर दिया मुझे मेरे घर वालों ने। भोलू तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन लोगों को तो अब नवाब ही देखेगा। नवाब? हाँ भाई है मेरा, कल ही तो रिहा हुआ है जेल से, बस अब तो पहुँचने वाला होगा। वो भी यही रहेगा क्या? अरे मेरा भाई है बेचारा, बस जरा सा किसी का खून कर दिया, पुलिस ने तो अंदर ही कर दिया उसे। जरा सा खून? हाँ, वैसे बहुत ही नेक और बहुत ही प्यारा है मेरा नवाब। अच्छा बात में चलो, यही खेल रखोगी क्या? अच्छा तू भी ले रहे नसरीन? मैं चोरी के पैसों का पिज्जा नहीं खाऊंगी माँ जी।
एक तो मेरा पुत्र पिज्जा खिला रहा है तो तेरे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हारी जो अम्मी जी है ना निराली बेगम, उन्होंने जो रात का खाना बनाया हुआ ना वो गर्म करके सूखी रोटी से खा लो। खूबसूरत, अगर तुमने पिज्जा नहीं खाना तो तुम्हारा हिस्सा मैं खा लूं। वो बस कर दे मैं मूसा, खुदा का नाम माने पहले ही दो हिस्से खा चुके हैं, आपका अपना पेट रहम। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ तो लें चाचा जी। ओ पापा जी, माँ जी, पापा जी। हाँ पहले पापा जी की माँ को तो पकड़ लें जी। अरे तुम लोगों ने मेरी नाक काट दी। ओए शबशे, पर ये तेरे मुंह पे टेढ़ी मेढ़ी सी जो लगी है ये क्या है? अरे लग तो नाक ही रही है। तुम लोग मेरे भूलू के नाम पे मोहल्ले से चंदा इकट्ठा कर रहे हो और वो भी मेरी आखिरी रस्मात के चंदा। आई नबील, डूब मरो तुम सब। अब भी क्या, अभी जाओ और जिस जिससे पैसे लिए उसको वापस करो। अरे उन्हें वापस कैसे कर सकते हम, ये तो हमने आपकी आखिरी रस्मात के लिए लिए। हाँ पापा जी, कल अगर आप मर गए तो ये तो सासू माँ तो सारा पैसा लेके निकल जाएगी, तो आपकी तदफीन कौन करेगा? हम बकवास बंद करो, तुम लोगों को तो आकर नवाब ही देखेगा। चलो बोलो, इन्हें भूल लगने की जरूरत नहीं है। वो नवाब की धमकी है, वो भी हमें, और हमसे बड़ा कौन नवाब है? ये ढोलुवा ट्राली गए किधर है? पता नहीं माँ जी किधर गए, इधर ही होंगे कहीं। शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज हमें नया घर दिला देना ताकि हम जल्दी से यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बिल्कुल बोलू, खबरदार जो तुमने इनको नया घर दिलाया तो। हेलो 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 एवरीवन, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे जेल से आ रहा हूँ ना, इसीलिए नहीं पहचाना होगा, वरना हम तो बचपन के साथी हैं। याद करो एक मिनट। कैसा बचपन? ये बेटी है मेरी। ओ, कौन हो तुम? तुम कौन हो बुढ़े? अरे नवाब, ये तुम्हारे दूल्हा भाई हैं। अरे दूल्हा भाई कैसे हैं आप? मैं आपका अकलौता साला नवाब। यही नवाब है? ये तो कोई मुझे बदमाश लग रहा है। अरे दूल्हा भाई, अब तो मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी, अब तो मैं भी अपनी बहन की तरह शराफत की जिंदगी बसर करूंगा। क्या, अब मैं तो लड़की पसंद भी कर चुका हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, इसके शोहर और ससुराल वालों ने ही तो तंग करके रखा है, बताया तो था तुम्हें मैंने फोन पे। अरे बहन, वो सब मुझ पे छोड़ दो, बस इसके शोहर और इसके घर वालों का पत्ता साफ होते ही इसकी शादी मुझसे करना हो। अरे मेरी बेटी शादीशुदा भाई। भोलू तुम भी ना, उसके नबील और पागल माँ बाप से तो लाख दर्जे बेहतर है मेरा भाई। सब हंसी खुशी मिलकर रहेंगे इस एक ही घर में। अच्छा अच्छा, देख ले। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? अरे खूबसूरत बेटा, कब तक उस नकम्मे बेकार नबील के साथ जिंदगी गुजारोगी तुम अपनी? भाई इससे शादी कर लोगी तो ये यही रहेगा हमेशा। अभी मैं उन तीनों को थक के देकर घर से बाहर निकाल देता हूँ। मुझे लगता है कुड़ी शर्मा गई है। यार ये पैसे तुमने मुझे कम दिए हैं। ओ महमूसा, मैंने 5,000 आपका काटा ओवर एक्टिंग का। वैसे ये कौन है? मैं नवाब हूँ। ओ भाई, तू कहाँ का नवाब है जो हमसे पैसे छीन रहा है यार? और फिलहाल तो इस घर का नवाब हूँ मैं। अरे पुत्र, तेरे ससुर ने ये घर इस नवाब को तो नहीं दे दिया है वकील? ओ नबील माँ जी। नबील को नहीं, इस नवाब को बेचा ये घर। अरे नबील मैं हूँ माँ जी, और मैं ही इस घर का दामाद हूँ यार। तू पुराना दामाद था, अब होने वाला नया दामाद मैं हूँ। क्या मतलब भाई? और मेरा मतलब है कि दूल्हा भाई और निराली ने मुझसे वादा किया है कि खूबसूरत का हाथ मेरे हाथ में देंगे। तू मुझे जानता नहीं? नहीं। ओए नीचे आ, मैं तुझसे बात करूं। तो कोई बात नहीं नवाब भाई, मुझे तो कोई भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो मेरी बीवी है। अबे तेरे मरने के बाद तो नहीं रहेगी ना? मेरे मरने के बाद? अब भाई प्यार मोहब्बत से को हाथ निकाल लेते हैं ना, क्यों गोल खराबा करना है? हाँ मुझे वैसे भी शुमैला बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन शुमैला? इसकी बीवी बादशाह साहब। बादशाह नहीं, नवाब हूँ मैं। और चलो कान पकड़ो, सारे कान पकड़ो, चलो। ओ अपने कान पकड़ बाजी। हाँ चलो उठे पटे करो। 1, 2, 3 25 चलो 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 काम करो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए, चलता जा, कोई जाए जाए, चलता जा।
परेशान मत हो खूबसूरत, बस एक आध दिन की बात है। फिर तुम चले जाओगे? अरे मैं नहीं, वो तुम्हारा निकम्मा शोहर जाएगा यहाँ से। वो कहीं नहीं जाएगा, ये उसके ससुर का घर है, जाना तुम्हें होगा यहाँ से। ये मेरे होने वाले ससुर और बहन और बनोई का घर है, मैं कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? मेरा शोहर अभी जिंदा है। तुम कहो तो अभी चैन की नींद सुला दूं? गोली देकर? और नहीं, जहर देकर। बहुत आला क्वालिटी का जहर है, जेल से लेकर आया हूँ। देखो। देख ही तो रहा हूँ, बहुत प्यारी हो तुम। अगर तुमने नबील को नुकसान पहुँचाया ना तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। शौक से कर देना रिपोर्ट पुलिस में, और वो भी हमारी शादी में शामिल हो जाएगी। Shut up. I love you too. और जाओ जाओ जाकर शादी की तैयारियां करो। यस। हाय नबील, मैं तो थक गया हूँ यार। मुसाब, आप तो ऐसे कह रहे जैसे मैं बड़ा फ्रेश हो गया हूँ यार। पुत्र, ये सब शहाना का किया घर है। वो कौन शहाना माजी? तेरी बीवी और कौन? पुत्र मुझे लगता है वो भी नवाब के साथ मिली हुई है। हाँ नबील, मुझे तो लगता है कि खूबसूरत ने ना तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो ये क्या कह रहे हैं बाबू साहब, खूबसूरत ने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा? कोई नहीं, उससे भी ज्यादा अमीर और खूबसूरत लड़की ढूंढ लेना पुत्र। नाइस आईडिया माजी, नाइस आईडिया। नबील चली जाओ खूबसूरत, इससे पहले कि मेरी गर्ल तुम्हें कत्ल करने पे मुझे मजबूर न कर दे। क्या बकवास है नबील, चुप। मेरा पुत्र जान गया है कि तू उसे छोड़ के ना उस कबाब के साथ शादी कर रही। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नवाब से कभी शादी नहीं करूंगी। सच जानू, इसका मतलब है तुम उससे बेपनाह प्यार करती हो? जी नहीं। चल झूठी, मैं सब समझता हूँ। नबील, तुम्हें उस नवाब का कुछ करना होगा। तुम टेंशन ना लो जानू, उस नवाब के बच्चे को मैंने जेल दोबारा ना भेज दिया तो मेरा नाम भी नबील नहीं। तेरा नाम नबील नहीं, अदील है पुत्र, तू फिर भूल गया। कुदरत ने तुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है बड़ी अच्छी कि तू मेरे लिए चार मूली के परांठे बना दे। शाबाश जा। माँ जी प्लीज यार। तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? और निराली परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है, वो ये लोग अब मेरी सारी बातें मान गए। हाँ? कौन सी बात? यही कि मैं खूबसूरत को छोड़ दूंगा और फिर हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। ओए शाबाश, इसका मतलब है हम सारी उम्र उसी पार्क में भीख मांगेंगे। हैं खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्या क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मैं खबर मिली इस घर में चर से। तुमने बताया नहीं निराली, दूल्हा भाई ये शौक भी रखते हैं। मुझे खुद नहीं पता था। ओए तलाशी ले इसकी। इसके लिए नहीं है तलाशी भाई। नीचे बैठो, नीचे बैठ। ठीक है, ठीक है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। गिरफ्तार करो इसे, इसका घर है, उसे भी लेके चलो। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनिए मेरी बात, नहीं आप कुछ ले देखिए, मामला रफा दफा कीजिए आप। अरे दूल्हा भाई मेरा भी कुछ करवा दीजिए ना। अरे तेरा तो थाने में चल के करेंगे। चल चलो। पापा जी अब आपने टेंशन नहीं लेनी, पापा जी अब आपका दामाद ये घर संभालेगा। अब तुम लोग तो मेरी जान छो। खूबसूरत बेटा ये लो तुम अपने नए घर की चाबी, और खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो और तुम लोग वापस बताना। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। पापा जी वो पता क्या है, कोई थोड़े से पैसे दे दे महमूद साहब के कपड़ों से ना बड़ी बदबू आ रही है यार। आ, तुम्हारे कपड़ों से तो खुशबू के लिपटे आ रहे हैं ना। चले जाएं, थोड़े से पैसे निकाल लेना शॉपिंग के लिए। मैं कहां? सो स्वीट। पापा जी ले ले जाके ले। हां मैंने क्या। हां पापा जी। ओए अरे चलो 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 जान छोड़ मेरी जान। शुक्र है यार। हाँ भाई शुक्र है। लगता है बड़े दिनों से घर बंद है, हर जगह सफेद चादरें बिछी हुई हैं। यहाँ मुझे ना वो लग रहा है। वो क्या माँ जी? वो जो जब बंदे को लगता है तो वो कंप कपाने लगता है। करंट माँ जी? ना करंट नहीं वो। अरे छोड़ो यार मुमताज, उल्टी सीधी बातें करके मेरे दिल में
डर पैदा ना करो। हाँ 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 डर, यहाँ तो मुझे ना डर लग रहा है। काफी दिनों से घर बंद है ना माँ जी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अरे आ गए आप लोग। आप कौन है? मैं कनीज हूँ। आप अचानक कैसे आ गए? जैसे अचानक चली जाऊंगी। वो कैसे? कैसे? चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं।